आज हमने बिना गैस चलाए, बिना मावा, बिना घी का इस्तेमाल किए सिर्फ 10 मिनट में एकदम टेस्टी और सॉफ्ट कोकोनट केसर पिस्ता बर्फी बनाई है। ये बहुत ही टेस्टी और एकदम सॉफ्ट बनती है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं कोकोनट केसर पिस्ता बर्फी। 250 ml कप का माप से 3 कप सूखा नारियल का बुरादा लिया है, जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। ये 250 ग्राम है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा कंडेंस मिल्क डाल के मिक्स करेंगे। कंडेंस मिल्क भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये कंडेंस मिल्क खुद ही मीठा होता है, इसके लिए हमें इसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कंडेंस मिल्क ना मिले तो आप घर में भी इसे एकदम आसानी से बना सकते हैं। कंडेंस मिल्क हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है, जिस तरह से हम डो बनाते हैं वैसा इसका टेक्सचर हो जाना चाहिए। और थोड़ा डालेंगे, एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। इसमें 3/4 कप प्लस 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क मिलाया है। जिस तरह से हम डो बनाते हैं वैसी कंसिस्टेंसी आ जानी चाहिए, आप देख सकते हैं। इसका हम 3 हिस्सा कर लेंगे, दूसरे एक बाउल में निकाल लेंगे। एक जैसा 3 हिस्सा कर लेना है। इसे मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पिस्ता पाउडर। पिस्ता को मैंने मिक्सर जार में डाल के क्रश कर लिया था। यह ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो आप सिर्फ ग्रीन फूड कलर डाल के भी बना सकते हैं। हरा कलर डालेंगे, 3 से 4 ड्रॉप हरा कलर डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। अभी दूसरा हिस्सा जो हमने निकाला था, इसमें केसर वाला दूध डालेंगे। 1 टेबलस्पून दूध में 1/4 टीस्पून केसर को भिगो के रखा था। केसर डालना ऑप्शनल है, इसके बदले में आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तीसरा हिस्सा जो था, इसे हम वाइट ही रखेंगे। 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसे सेट करने के लिए मैंने एक एल्यूमिनियम का ट्रे लिया है। आपके पास ये नहीं है तो आप थाली में भी इसे सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा तेल या घी लगा लेंगे। इसके ऊपर बटर पेपर रखेंगे। अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो आप घी लगा के भी इसे ग्रीस करके कर सकते हैं, लेकिन बटर पेपर पे हम सेट करेंगे तो ये आसानी से अनमोल्ड हो जाएगी और इसका पीस भी अच्छे से होगा। अंदर भी थोड़ा घी से ग्रीस कर लेते हैं। ये वाइट वाला लेयर है, इसे हम पहले अंदर डालेंगे। इस तरह से इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसे हम थोड़ा पतला ही करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हरा और पीला कलर का लेयर आएगा, तो इसे हम थोड़ा पतला ही करेंगे। इस तरह से अच्छे से इसे स्प्रेड कर देते हैं। अच्छे से इसे फैला दिया है। इसके ऊपर ये ग्रीन वाला लेयर करेंगे। इस तरह से इसे भी फैला लेंगे। हरा वाला लेयर भी अच्छे से फैला लिया है मैंने। केसर वाला लेयर है, इसी तरह से इसे भी इसके ऊपर फैला लेते हैं। केसर वाला लेयर भी अच्छे से फैला लिया है। इसे आधे घंटे के लिए इस तरह से रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, या तो फिर इसे 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख के सेट कर लेते हैं। इसे मैंने 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख के सेट कर लिया है। अभी हम इसे ट्रे में से निकाल लेंगे। अच्छे से सेट हो गई है, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर मैं चांदी का वर्क लगाऊंगी। आपके पास अगर ये है तो लगाए, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास असली वाला चांदी का वर्क है तो ही लगाए। इसे कट कर लेते हैं। ऊपर पिस्ता रखेंगे। कोकोनट केसर पिस्ता बर्फी रेडी है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ये एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगले और एक नए वीडियो के साथ।